काफ़ी लोगों की इंस्टाग्राम पर एक ही प्रॉब्लम है कि उनके अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं इंस्टाग्राम की तरफ से। सस्पेंड होने का कारण ये है कि हम इंस्टाग्राम की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको ब्रेक कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर रह करके अपने अकाउंट को नहीं चला रहे हैं। हम यहाँ पर जो है ना अपने अकाउंट को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी आईडी को सस्पेंड किया जा रहा है इंस्टाग्राम की तरफ से। अब बात यहाँ पर आती है कि सस्पेंड तो हो गया, अब हम उसको रिकवर कैसे करें। बिल्कुल कर सकते हैं, रिकवर होगा और 5 मिनट के अंदर रिकवर होगा। जो तरीका आपको बताया जाएगा उसी को आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद आपकी आईडी रिकवर हो जाएगी। कुछ पर्सन कहते हैं कि भाई हमने 24 नहीं 48 घंटे वेट कर लिया, उसके बाद भी हमारा OTP कन्फर्मेशन कोड नहीं आ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका भी सोल्यूशन इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपका OTP यानी कि कन्फर्मेशन कोड क्यों नहीं आ रहा है, आप यहां पर क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो और आप सही से प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपको OTP और कन्फर्मेशन कोड नहीं आ रहा है। कुछ पर्सन हमें DMs करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, वो हमें कहते हैं कि भाई जब हम आपसे बात करते हैं आप हमारी आईडी को चालू करके दे देते हो, आप कैसे करते हो, और हमसे तो नहीं होता है, 48 घंटे भी हो गए, हमने बहुत वेट किया लेकिन हमें कन्फर्मेशन कोड नहीं मिला, लेकिन जब हम आपके पास आए आपने हमारे अकाउंट को चालू करके दे दिया, आपने कैसे किया। तो भाई यही तो बात है, आप सही से प्रोसेस को जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको कन्फर्मेशन कोड नहीं मिलेगा, और जब तक आपको कन्फर्मेशन कोड नहीं मिलेगा तब तक आपकी आईडी यहां पर चालू नहीं होगी, जो अकाउंट आपका सस्पेंड हुआ है वो रिकवर नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सही तरीका क्या है अपनी सस्पेंड आईडी को रिकवर कराने का, और जो OTP यानी कि कन्फर्मेशन कोड आपको नहीं मिल रहा है उसको लेने का अपने नंबर पर। कुछ पर्सन यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमारा नंबर भी चालू है, उसमें रिचार्ज भी है, उसके बाद भी हमें OTP नहीं मिल रहा है। तो वही बात आती है कि सही से प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रहे हो आप। जब तक प्रोसेस सही से फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको कन्फर्मेशन कोड नहीं मिलेगा, चाहे 8 दिन हो जाएँ चाहे 10 दिन हो जाएँ, तब तक जो है आपको कन्फर्मेशन कोड नहीं आएगा। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है, किस तरीके से आपको कन्फर्मेशन कोड लेना है, किस तरीके से फिर प्रोसेस को फॉलो करना है, किस तरीके से अपनी आईडी को रिकवर कराना है। तो बस उसके लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर आप स्किप करोगे तो आपकी आईडी यहां पर रिकवर नहीं होगी, आपकी आईडी यहां पर चालू नहीं होगी। जो हम यहां पर आपको बात बताते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली है और आपके अकाउंट को वही बातें रिकवर कराएंगी, आप उन्हीं को स्किप कर देते हो तो आपका अकाउंट इसलिए चालू नहीं होता है। तो मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एंड तक देखना चाहिए, जो बातें बताई जाती हैं उनको सही से समझना चाहिए और फिर उसी तरीके से फॉलो करना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं IG हेल्प यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर अब मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना है और यहाँ पर जो है ना आपको जो है ना सुनना है। सबसे पहले थोड़ी सी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हमारी आईडी सस्पेंड हो रही है वो क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। एक एप्लीकेशन आती है इंस्टा स्टोरी सेवर, जिसमें हम अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं और वहाँ से हम अपनी स्टोरी को डाउनलोड करते हैं। तो गाइज ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे अकाउंट के लिए जहर है, बिल्कुल गलत है। इंस्टाग्राम इसको मना करता है कि ऐसी किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपको यूज़ नहीं करना है और ऐसी किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है, वरना आपके अकाउंट को वहाँ पर खतरा हो सकता है। तो आपने 100% ऐसी किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट का यूज़ किया होगा जिसमें आपने अपने अकाउंट को लॉगिन किया। कुछ लोग यहाँ पर अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने के चक्कर में अपनी आईडी को कहीं पर भी लॉगिन कर देते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में या वेबसाइट पर, तो उस वजह से भी यहाँ पर हमारे अकाउंट में प्रॉब्लम हो जाती है और आईडी सस्पेंड की जाती है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, और फॉलो ऑन फॉलो भी करते हैं कुछ लोग, फॉलो ऑन फॉलो भी नहीं करना है आपको, और एक ही टाइम पर अपने इंस्टाग्राम पर लिंक्स वगैरह, फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कर देते हैं। तो एक ही टाइम पर आपको शेयर बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं, 2-4, 10-5 लोगों को कर सकते हैं और उसके बाद में जो है ना नेक्स्ट डे या फिर शाम में कर सकते हैं, मतलब गैप दे करके कर सकते हैं, एक ही टाइम पर नहीं करना है। तो ये गलत एक्टिविटी से हमें बचना है अगर अकाउंट को आपको सही तरीके से चलाना है। तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, मैंने आपको समझा भी दिया ज़्यादा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे DMs भी कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर भी बताता हूँ, मैं आपको जो है ना सब सही तरीके बताता हूँ इंस्टाग्राम पर
आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सही प्रोसेस बता देता हूँ आईडी को वापस लाने का, कन्फर्मेशन को लाने का, ओटीपी को लाने का। तो अगर आपकी आईडी सस्पेंड हो गई है और 24 आवर्स वाला यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल रहा है, यहाँ देख सकते हो बराबर में स्क्रीनशॉट में, यही प्रॉब्लम अगर आपकी भी है तो कन्फर्मेशन को लेने के लिए हमें करना क्या होगा, अगर हमें अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम और पासवर्ड पता है, देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम और पासवर्ड पता है तो हम अपने फ़ोन के अंदर से अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन यानी कि इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे। अपने फ़ोन से अपने इंस्टाग्राम को आपको अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट करना है जिसमें आपने उस आईडी को लॉगिन कर रखा है। आईडी पासवर्ड तो आपके याद है तो इसलिए आप उसको वहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। अब आप ये कहोगे कि भाई अब हम बात कैसे करेंगे, अब हम अपने दोस्तों से कैसे चैट करेंगे, हमारे पास में दूसरी आईडी है उसको कैसे चलाएंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है। प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है इंस्टाग्राम लाइट, बराबर में आप यहाँ पर देख सकते हो, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और जो एक्स्ट्रा आपने आईडी बनाई है या फिर आप अपने दोस्त की यूज़ कर रहे हो उस आईडी को आपको इंस्टाग्राम लाइट के अंदर लॉगिन कर लेना है। और जब आपकी आईडी वहाँ पर लॉगिन हो जाएगी तो अब आप यहाँ पर लाइट को ही यूज़ करेंगे, जब तक यूज़ करेंगे जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होता। अब वो प्रोसेस कितने टाइम का चलता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपने ये काम कर लिया और अब जो है आपको करना क्या है, वेटिंग कब तक करनी है, कितनी वेटिंग करनी है, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आज आपकी आईडी सस्पेंड हुई और लास्ट बार आपने चेक किया अपडेट मोबाइल नंबर पर जाकर के अपना नंबर डाल करके ओटीपी को लाने की कोशिश की और आज जो टाइमिंग हो रही है यानी कि दिन के 12 बज रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिन के 12 बज रहे हैं, हमने यहाँ पर अपनी आईडी को लास्ट जो चेक किया ओटीपी लाने की जो कोशिश की वो दिन में 12 बजे की और 12 बजे हमने कर ली, उसके बाद में हमें ओटीपी रिसीव नहीं हुआ, उसके बाद में जो मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना है वो कर देना है, इंस्टाग्राम लाइट को डाउनलोड कर लेना है, उसमें आईडी को लॉगिन कर लेनी है जो एक्स्ट्रा आपके पास में हो, उसके बाद में अब आपको 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन आपको 24 घंटे पे प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। यही मिस्टेक करते हैं कुछ लोग, 12 बजे अगर किया तो अगले दिन 12 बजे करने लगते हैं, तो आपको अगले दिन के 12 बजे प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, आपको अगले दिन 3 बजे करना है। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन 3 बजे प्रोसेस को फॉलो करना है, आपको 2-3 घंटे का और भी एक्स्ट्रा टाइम उसमें जोड़ लेना है। अगर आज 12 बजे हमने किया तो अगले दिन 3 बजे करना है, यानी कि 24 घंटे में 26, 27, 28 घंटे जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद में प्रोसेस को हमें यहाँ पर फॉलो करना है। और जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो सिंपल तरीका है, किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, जो क्रोम होता है ब्राउज़र उस पर जाना है और वहाँ पर आपको instagram.com लिखना है सर्च में, आपके सामने इंस्टाग्राम की वेबसाइट आ जाएगी कुछ इस तरह का पेज। जब आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा तो इसमें ऊपर में अपना यूज़र नेम लिखेंगे और नीचे में आपको जो है पासवर्ड लिखना है और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, या तो ऐसा आएगा या फिर कुछ लोगों के पास में ना एक दूसरा वाला इंटरफेस आ जाता है जिसमें उनका मोबाइल नंबर होता है तो वो सेंड पर क्लिक करने के लिए बोलता है, तो सेंड पर क्लिक करेंगे, जो नंबर आपने रजिस्टर किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी जाने के बाद में जब आप ओटीपी डाल लेंगे तो आप इस वाले ही पेज पर आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का डायरेक्ट ये वाला पेज आ जाता है। तो जब आपके सामने ये पेज आ जाता है, अब यहीं से ध्यान से समझना है आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब अपडेट मोबाइल नंबर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा कुछ इस तरह का, जिसमें यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कंट्री का कोड यहाँ पर डालिए, जो आप जिस भी कंट्री में आप रहते हो उसका कंट्री कोड आप यहाँ पर डालिए, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे और आपका यहाँ पर +91 आ जाएगा। जब आप कंट्री कोड डाल लेंगे उसके बाद में बराबर में बॉक्स है जिसमें 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको डालना है, नंबर यहाँ पर जो है ना वो चालू होना चाहिए जो आप डाल रहे हो। एक कन्फ्यूज़न और दूर कर देता हूँ मैं यहाँ पर आपकी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें नंबर वही डालना है जिससे आईडी बनी हुई है पहले की, या फिर कोई भी नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई हमारा पुराना नंबर बंद हो गया है अब हम अपनी आईडी को न्यू नंबर से चालू कर सकते हैं, क्या उस पर ओटीपी आ जाएगा या फिर नहीं, तो इसका जवाब है जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। आप अपने पापा का नंबर दे सकते हो, भैया का दे सकते हो, मम्मी का दे सकते हो, या आपके पास में एक्स्ट्रा सिम है अगर कोई दूसरा नंबर है वो भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर बात यही है कि वो नंबर चालू होना चाहिए जो आप दे रहे हो, उसमें रिचार्ज होना चाहिए तभी उस पर ओटीपी
आएगा। अब आपने यहाँ पर नंबर भी डाल दिया है और कंट्री कोड भी डाल दिया है, उसके बाद में सेंड कंफर्मेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद में नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज आने के बाद में जो नंबर आपने डाला है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी जो है नेक्स्ट पेज में आप बॉक्स में डाल देंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद में अब यहाँ पर आपकी जो आईडी है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी, और अगर लॉगिन नहीं होती है तो वहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ भी बोल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट लॉगिन हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने डेट ऑफ बर्थ का एक पेज आ जाता है जिसमें हमसे कहा जाता है अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए, और उसके बाद में आप जब सबमिट करेंगे तो आपकी आईडी सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको जो है वहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर जो लोग मिस्टेक करते हैं, एक तो टाइमिंग में करते हैं कि 24 घंटे के फौरन बाद ही जो है प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि अपनी आईडी को जब वो बंद हो जाती है ब्राउज़र पे भी लॉगिन करके देखते हैं, फ्रेंड के फ़ोन में भी लॉगिन करके देखते हैं, आईपैड में, लैपटॉप में, हर जगह उसको लॉगिन कर करके देख लेते हैं और हर जगह अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं, और जब 24 घंटे होते हैं तो वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उनका ओटीपी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने अकाउंट को हज़ारों जगह जो है लॉगिन कर लिया, और वहाँ पर जहाँ जहाँ आपने लॉगिन किया वहाँ से लॉग आउट भी नहीं किया, उसको रिमूव भी नहीं किया। तो इसलिए आपको 24 घंटे ही बताता रहेगा। जब आप प्रोसेस को पूरा 24 घंटे यानी कि वेट करेंगे तो आपको करना क्या होगा, आपको हर जगह से अकाउंट को रिमूव करना है, हर जगह से अकाउंट को रिमूव करना है, चाहे जहां भी आपने उसको लॉगिन कर रखा हो। और पूरा रिमूव करने के बाद में अब आप यहां पर 25, 26, 27 घंटे पूरे 28 घंटे वेट करने के बाद में तब प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस को फॉलो ऐसे ही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई हमें पासवर्ड याद नहीं है, अगर हम अपने अकाउंट को इंस्टाग्राम के अंदर से रिमूव कर देंगे तो अब हमारे पासवर्ड तो याद नहीं है, अब फिर कैसे लॉगिन करेंगे? तो ये बड़ी बात है, ये तो है, अगर हमें पासवर्ड ही नहीं पता होगा तो हम आईडी को लॉगिन कैसे करेंगे? तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन गाइस ये है, जिस इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के अंदर आपने अपने अकाउंट को लॉगिन कर रखा है आपको इंस्टाग्राम को डिलीट नहीं करना है। अगर आपके पासवर्ड याद नहीं है तो आपको अपनी एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करना है। और अब आप ये कहोगे कि भाई आपने तो डिलीट करने के लिए बताया, तो अगर आपके पासवर्ड याद नहीं है तो आप डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन उसमें प्रोसेस किस तरह से फॉलो करना है मैं बताता हूँ। वही उसी तरीके से वेट करना है, लेकिन आपको इंस्टाग्राम को ओपन करके नहीं देखना है। इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है जिसमें आपकी आईडी वो लॉगिन है, आपको जो ना पूरे 24-25 घंटे जो 26-27 घंटे जो मैंने आपको बताए हैं पूरे जो है ना आपको वेट करना है, लेकिन इंस्टाग्राम में उसमें विजिट नहीं होना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसके अंदर जा करके आपको नहीं देखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके जो है ना पासवर्ड याद नहीं है तो आप अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करेंगे, वरना फिर आप लॉगिन कैसे करोगे? तो ये चीज़ भी मैंने आपको जो है बता दी है यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को सही से फॉलो करना है, आपकी आईडी 100% यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी, चालू हो जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो डीएम कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर, फॉलो करके मैसेज कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताएं, सबकी जो है वहाँ पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और गाइस एक चीज़ और है यहाँ पर, जब आप मुझे डीएम करते हो, जब मुझे मैसेज करते हो तो मेरे पास में बहुत मैसेज आते हैं, तो सभी के रिप्लाई मैं एकदम से नहीं दे पाता, उसमें एक दिन भी लग सकता है, दो दिन भी लग सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि भाई ये तो बोल दिया इंस्टाग्राम पर आ जाएं लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ये, तो रिप्लाई सबको मिलेगा, सबको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन आपको बस यहाँ पर वेट करना होगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन वेट करना होगा, आपका नंबर भी आएगा तो आपसे भी बात की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं हमें, तो सबके जवाब देने पड़ते हैं, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना पड़ता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।